सारे भाई लोग सभी इकट्ठा हो चुके हैं। ड्यूक आ गई, जीटी आ गई और भाई यहाँ पे आकाश भाई थोड़ा जल्दी में है। तो दोस्तों आज हम ये जो ग्रुप है वो जा रहा है सी वर्ल्ड कार्निवल पे और दोस्तों नज़ारा आपके सामने होगा। और हर बार की तरह दोस्तों हम जाएंगे कार्निवल के अंदर, सीधा अपनी बाइक्स को अंदर लेके जाएंगे और आकाश भाई विली मारते हुए मैं विली कर नहीं सकता, मेरे पीछे बैठा है पिलियन और सभी भाई हमारे साथ हैं। हम जा रहे हैं अब कार्निवल के अंदर और यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता खराब है, बाकी आराम से आते हैं। ओह शिट, तो दोस्तों नहीं नहीं रास्ता है भाई। और दोस्तों यहाँ से थोड़ी आराम से निकालनी पड़ेगी बाइक। सो फाइनली दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी बाइक सामने लग चुकी हैं और हमारी टीम्स आ रही हैं और ये हैं हमारे शंकर भैया। हम आ चुके हैं आज सी वर्ल्ड कार्निवल पे और ये हैं हमारे शंकर भैया यहाँ के ऑर्गेनाइज़र। और आज का जो भी हमारा यहाँ पे सिस्टम रहने वाला है वो सारा भैया ने यहाँ पे अरेंज करके दिया है और थैंक यू सो मच हमारी पूरी फिरोजपुर राइडर्स एवजरा राइडर्स की टीम की ओर से, थैंक यू सो मच भैया। तो दोस्तों सबसे पहले जा रहे हैं हम इस कार्निवल के सबसे डेंजरस झूले पे, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा फन उसी झूले पे होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वहाँ पे चलते हैं दोस्तों, लेट्स गो। एक और बात, जैसा आप हमें प्यार दे रहे हैं इसी तरह बस हमारे चैनल को प्यार देते रहिए और ऐसा ही मज़ेदार कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। भाई बहुत मजा आ रहा है भाई, भाई कसम से भाई बहुत मजा आ रहा है भाई। भाई कुछ ही दिनों पहले आते हैं ये कार्निवल और भाई फिरोजपुर बिल्कुल भी मिस मत करें, इस कार्निवल को जरूर से विजिट करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चलो और भाई राइड बहुत ही और भाई कैसा था यश भाई से? क्या हो गया और नहीं वो। भाई यहाँ पे यश भाई थोड़ा सा घबरा गए हैं इस झूले को लेके और वो आ गए हमारे आकाश भाई। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो है किश्ती वाला झूला, तो लेट्स गो गाइस। तो दोस्तों हमारे सभी भाई यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं और हमारी अगली डेस्टिनेशन है ये वाला खतरनाक झूला। यश भाई आपने सेंटर में बैठना, कैमरा पकड़ के। तो दोस्तों फाइनली हमारा सारा ग्रुप टॉप पे बैठ चुका है और भाई सबकी कसम से फटने वाली है, ये दोनों जो नीचे बैठ गए इनकी फट गई है भाई। और भाई तुम घबराओ मत, तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ पे सेफ हो, पर नहीं, तुम्हारी यहाँ पर भी फटने वाली है भाई। अब कैसे ऊपर आएंगे तुम्हारे ऐसे? तो दोस्तों ये वाला झूला लेके कैसा एक्सपीरियंस था सबसे पहले जनू भैया? हाँ जी बड़ा वो खतरनाक था। और हाँ जी यश भाई कैसा एक्सपीरियंस था? क्या यार बैड बज गई हवा, पता क्या लग रही थी। हाँ जी सुपर भाई बहुत मजा आया, मजेदार। और आकाश भाई हाँ जी पूरा एंजॉय पूरा। तो दोस्तों अब हमारी उल्टी कर रहा था नहीं जाना हुआ और नहीं डिस्को वाले झूले जाना अभी। अरे सेफ है, तो लेट्स गो गाइस टू द नेक्स्ट राइड। तो दोस्तों फाइनली जा रहे हैं हम
इसको बोलते हैं डिस्को राइड आई गेस, है ना। तो लेट्स गो। क्या आ गया यश, ठीक है लोगी? बस यही चाहिए था जिंदगी में। चल काशी, ओए चल पिछी दो सुखबर कितने, चल सुखबर नाल, ओए चल ऊपर में। तो दोस्तों यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हो चुका है कि जो हमारे यश भाई हैं उनकी अच्छी तरह से फट चुकी है, और यश भाई कह रहे भी मेरे को उतारो यहाँ पे, पर अभी ऐसा हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। यश भाई को पूरा झूले का मजा देंगे और उसके बाद यश भाई के रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों। यश भाई क्या कहना चाहोगे इस झूले के बारे में? प्राण निकलने को हो रहे हैं। प्राण निकलने, अभी तो निकाल लेंगे, अभी तो निकाल लेंगे भाई। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेले के सबसे क्लाइमेक्स वाले शॉट पे। तो दोस्तों ये मेला है मेन, जो मेले का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है दोस्तों वो है सी वर्ल्ड कार्निवल, जो कि इसके नाम में भी है। तो अंदर दोस्तों अपने को जो समुद्री जीव हैं उनके अलग अलग तरह की हमें देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से अंदर चलते हैं, हमारे सभी दोस्त यहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, छुप के खड़े हुए हैं वेंचर। चलो गोल्ड फिश, सोने की मच्छियाँ। तो दोस्तों इसे बोलते हैं ईल फिश। तो इनके नाम तो वैसे नहीं सबके पता, मुझे जिनके मेन पता है उनके बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी इक्वेरियम, यहाँ पर भी इक्वेरियम, और दोस्तों यहाँ पे हमें एक टर्टल देखने को मिल गया जो अकेला ही पानी में तैर रहा है, और दोस्तों इसकी हमें सख्त जरूरत है। ओ माय गॉड, दो टर्टल निंजा टर्टल्स। हेलो दोस्त, कैसा है मेरे भाई, तू बड़ा होके क्या बनेगा? कहाँ देख रहा है भाई, निंजा बनेगा। मैं बड़ा होके जल का बनारी बनूंगा। तो दोस्तों मैं ना यहाँ पे घूम ही रहा था और एक मछली ने ना मेरे साथ थोड़ी सी बदतमीजी करी, तो मैंने इसके सर पे मार दिया, तो इसका माथा सूज गया। तो दोस्तों थोड़ा सा इसका माथा ना यहाँ से सूज गया है, मैंने बोला था ना मेरे से पंगा नहीं लेना, अब घूम इसी कलंक के साथ, लेट्स गो गाइस। ओ माय गॉड दोस्तों, दिल करता है इन्हें खा जाऊं, चल नहीं गंदी बात। तो दोस्तों हम ना काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे कि ये काश में कौन सा कीड़ा है, तो आज हमें वो कीड़ा मिल चुका है, ये रहा वो कीड़ा जो काश के पता नहीं कहाँ पर है पर कहीं तो है, ये वही कीड़ा है, ये रहा भाई आकाश। भाई आकाश पहचान ले अपने रिश्तेदारों को पहचान। तो दोस्तों ये पता नहीं कौन सी मच्छी है, आई डोंट नो, पर ये बहुत ह्यूज है और इसके नुकीले दांत भी हैं, पता नहीं क्या खिलाते हैं इसको। चल लेट्स गो गाइस। तो ये कुछ नज़ारा, चिकन देते हैं इसको, अरे भाई इसको तो चिकन खिलाते हैं। ओके 3 kg डाइट है इस मच्छी की, एक पीस, अरे भाई। तो दोस्तों यहाँ पर हमें हमारा सब्सक्राइबर नहीं मिला, हम इसको अपना सब्सक्राइबर बना रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली लोगों के रिएक्शन चेक करो, और दोस्तों निकलते हैं यहाँ से। आई होप आप सभी को मजा आ गया होगा आज के व्लॉग में, और भाई ये सबसे खतरनाक सीन यहाँ पे होता है, अब यहाँ से निकलना है भाई, और अगर यहाँ फिसल के गिरे तो भाई बहुत बेइज्जती होएगी, बहुत तगड़े वाली।
सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।